जनाब कारी अब्दुलरशीद साहब, प्रोफेसर कारी मोहम्मद सदीक साहब, मेरे मोहतरम काजी सईद साहब और मेरे हम असर मेरे हम नाम अब्दुल मजीद कुरैशी साहब और मेरे मोहतरम भाई बरादरान जो इधर बैठे हुए हैं, मेरा तो ऐसा ही तकरीर करने का कोई अंदाज भी नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं था, क्योंकि मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को जानता हूँ, थियोरेटिकली बातें मैं तस्लीम नहीं कर सकता। काजी साहब कारी साहब से मेरा ताल्लुक शनासाई तो शायद 1990 से है दुआ सलाम, लेकिन मैं आया उगी कॉलेज 2014 में एज एसोसिएट प्रोफेसर, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ जो शनासाई थी वो दोस्ती में तब्दील हो गई। दोस्ती इस लिहाज से कि बस इनको मैं एक वो साइंस में क्या कहते हैं परफेक्शनिस्ट आदमी समझता था और सारी दिल की बातें राज और न्याज की बातें इनके साथ मेरी होती रहती थी। फिर इस तरह हुआ कि एक दौर में ये इन्होंने प्रिंसिपल का 400 वाला साथ में लिया था और मुझे इन्होंने कहा जी आप इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, तो इनके सामने तो ना मैं कर दी सकता था तो वो सिलसिला इनके साथ चलता रहा, लेकिन कॉलेज की इंतज़ामिया और इंतज़ामी उमूर में मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और ये मुझे छोटा भाई या भाई समझ के ये कहते थे कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं ये ऐसे होती हैं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, तो अक्सर ये कहा करते थे कोई इस तरह की चीज़ हो तो ये कहते थे मुझे वो अलमारी भी याद है कि जिसमें फलाम फाइल पड़ी। तो आते हुए मैं रास्ते में सोच रहा था कि हम में से ज़्यादा खिदमत तो कैरी साहब की है कि इस डिपार्टमेंट में उन्होंने ऑलमोस्ट 40 साल गुजार दी मेरे हिसाब से, तो इन 40 सालों में फिर मुख्तलिफ उमूर में हम काम करते रहे और मुझे वो याद है कि मानसरा में हमारे दोस्त वाजिद शाह साहब एक नारा एक स्लोगन उनका हुआ करता था लो कास्ट नो कास्ट में, और वो लो कास्ट नो कास्ट को यहाँ हमने इस कॉलेज की तरक्की में अमली जामा भी पहनाया। तो बहरहाल सर्वस में आना रिटायरमेंट का होना ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि कारी साहब जो है वो हमाजैद शख्सियत हैं, डॉक्टर हैं तो आला दर्जे के, खतीब हैं तो आला दर्जे के, उस्ताद हैं तो आला दर्जे के, और किसी महफल में बैठे और महफल में वो छा ना जाए ये हो नहीं सकता। तो कारी साहब क्या कहें जी, रिटायरमेंट तो लेनी है, सबने जाना है, लेकिन आप अगर एजुकेशन से रिटायर हो गए तो कम से कम बाकी शौकों से रिटायरमेंट ना लें, क्योंकि उनमें भी आपकी बहुत बड़ी खिदमत है। और कारी साहब अक्सर मैं रोकता भी था, ये बहुत अरसे से कहते हैं मैंने रिटायरमेंट लेनी है, मैंने रिटायरमेंट लेनी, तो मैं कहता था जी थोड़ा अरसा इधर बैठते हैं गप करते हैं ये करते हैं, तो मैंने बहुत सी चीज़ें मजहबी हवाले से सुबह में आता था और मैं देखता कि लोग क्लासों में जाते हैं तो मैं आस्था से एक छोटा सा टॉपिक कारी साहब को छेड़ देता, तो कारी साहब माशाल्लाह आपके मुदल्लल बयान की वजह से बहुत सी चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं और उसी वजह से मैं हाजी भी हुआ मैं नमाजी हुआ, इन्हीं की वजह से मैं हाजी भी हुआ मैं नमाजी, ये बहुत बड़ी बात है। तो चूँकि ज़िंदगी का हिस्सा है फिर ज़ाहिर है मेरी भी प्रोमोशन थी और यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, मेरे दोस्त हाफिज़ नईम साहब एडजस्ट हो गए तो मुझे जाना था दरबंद भेज दिया, तो मैंने कहा जी दरबंद में लोग मुझे कहते हैं खुश है, मैंने कहा वो फारसी में हम पढ़ा करते थे कि हर मुल्क मिल्क मास की मुल्क बधाए मास, मैं तो हर जगह पे खुश हूँ, मैंने जितनी नौकरी की है मैं चतराल से मैंने स्टार्ट किया, मैं कभी खफा नहीं हुआ, कोस्तान मैंने देखा बटाग्राम हाजी साहब चले गए उधर था होगी मैं था होगी को, तो मैं ज़ाहिर अपना घर समझता हूँ क्योंकि मैंने अपनी तालीम का स्टार्ट जो है फिदा भाई मेरे बैठे हुए हैं शमदाड़ा से, दूसरी जमात तक मैं शमदाड़ा में हूँ, जो लोअर मिडिल स्कूल था जहांगीर भाई मुझसे एक साल आगे थे और हम इस स्कूल में पढ़ते थे, होगी को मैं अपना घर समझता था,
कारी साहब जब तक है तो इसको मैं घर समझता रहूंगा। कारी साहब अल्लाह आपको बाकी जिंदगी जो है वो हमारी बल्कि तमाम अकवाम वाला इलाका होगी, बल्कि इलाका होगी तो छोटा होगा अग्रौर का, इलाका अग्रौर की खिदमत जो है उसका मौका नसीब फरमाया। बहुत शुक्रिया।